डर में निकलता यहाँ से यार। हाय मीना, मैं हूँ और आज मैं जहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे ना आना बिल्कुल ही मना है, यहाँ पे बच्चों का शमशान घाट है। इस तरफ मैं आपको तरफ दिखाऊंगा लाइट उठा के अपनी गाड़ी से। और कहते हैं कि यहाँ पे रात को बच्चे अक्सर दिखाई देते हैं, और यहाँ पे बच्चों के रोने की आवाज़ और बच्चे अपनी एक्टिविटीज़, मतलब बच्चे ना जो भी यहाँ पे रात को निकलता है ना, उसको बच्चे दिखते ही दिखते हैं, उसको ऐसा एहसास होता है। तो वही देखने में मैं आज आया हूँ। और हाँ, यहाँ पे ये पूरा इलाका ना बहुत खाली है, मेरे को सच बता रहा हूँ, अकेले आते ना यहाँ डर लग रहा था, बट यहाँ पे बहुत खाली इलाका। और जिसने मेरे लोगों से बताया, उसने कहा भाई यहाँ पे जब जाना ना तो 6-7 लोगों के साथ जाना, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग का खतरा भी बहुत है। मैं अकेले आ गया, देखो यहाँ पे क्या होता है। अगर फोकस नहीं हो रहा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये थोड़ी खांसी आ रही है यहाँ पे, ये क्या आवाज़ है। देखो मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी की है हर बार की तरह, लाइट जला के, ताकि मेरे को गाड़ी दूर से दिखे, और मैं हर तरफ करूँ कैमरा तो कोई भी नहीं है। और थोड़ा सा आगे जाके ये जो पूरी जगह है ना, यहाँ पे बच्चों को दफनाया जाता है। नहीं, ये वो कब्रें नहीं है, बच्चों की कब्रें नीचे भी हो सकती हैं, मैं उन्हें पैर ना रखूँ, बच्चों की आवाज़ें यहाँ पे अक्सर। ये बहुत वहाँ से कोई आवाज़ यहाँ बंद हो गई, वो कब्रें बच्चों की। आपको दिखाऊं तो थोड़ा पास चलता हूँ, देखो आपको मैं दिखाऊं जो आपको दिख रहा है। ये छोटी छोटी जो कब्रें हैं ये बच्चों की हैं, और ये देख रहा आपको बहुत पुरानी कब्र है। ये हर तरफ बच्चों की कब्र है, ये हर तरह आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे बच्चों को दफनाया जाता है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भगवान या तो बच्चे दे ही ना, अगर बच्चे दे रहे हैं तो प्लीज़। ये आवाज़ आ रही है, पता है क्या होता है, इधर रूह होती है ना, ये किसी को देख कर रोती है। बच्चे हैं, उनको नहीं पता यहाँ पे कौन आया है। यार मैं सच बताऊँ तो मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। ये सारे कपड़े हैं, मैं यहाँ पहने रखूँगा, थोड़ा सैड चलूँगा। मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि बच्चे की कब्र हैं, या तो भगवान बच्चों किसी को दे ही ना, और देने का प्लीज़ यार, तरफ कब्र है। मेरे को सच में कह रहा हूँ, ये देखो किसी बच्चे की कब्र यहाँ पे है। यार मेरा दिल में यहाँ वीडियो बनाऊँ, यहाँ रुकूँ, बट फिर मैं रुका पड़ाऊँ। अगर आप लोग को कह रहा है कुछ भी दिखे तो प्लीज़ करना, बताना मुझे। बच्चे हैं छोटे छोटे, देखो ये कोई दूर से कोई बेबी रो रहा है। एंड गाड़ी देखो यार, उतनी दूर खड़ी है गाड़ी, शमशान घाट उस तरफ है, बच्चों का कब्रिस्तान ये है। हिंदू धर्म में बच्चे जलाए नहीं जाते, दफनाए जाते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कई लोग को पता नहीं होगा, वो लोग यही बात बोलेंगे, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, सब उनको शायद मैं उनको तकलीफ पहुँचा रहा हूँ, यहाँ आके फिर से कोई बच्चा रो रहा है। यार कौन है यार ये, देखो कौन हो आप, वो मेरी बात यार बच्चे नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते बच्चे यार। बच्चे इस लाइक यार, वो छोटे बच्चे होते हैं यार, मैं क्या किससे बच्चे से बातें करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं यार, बस यही है। मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, देखो यार ये बहुत पुरानी कब्र है, फोकस कर, ये बहुत पुरानी कब्र है, यहाँ पे ये कब्र है, वो कब्र है, वो कब्र है, ये कब्र है, ये कब्र है, ये कब्र है, इतनी कब्र है यहाँ पे यार बच्चों की। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा
यहाँ पे आने के बाद ना बहुत गंदा फील कर रहा हूँ। मैं बच्चों के कब्र से थोड़ा दूर चल के, यार देखो ये देखो किसी बच्चे की कब्र है, और यहाँ पे कोई जानवर का खतरा नहीं है इसलिए यहाँ पत्थर नहीं रखे गए हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे भी किसी बच्चे की कब्र है, जमीन खोदी गई है, बच्चों को दफनाया गया। ये देखो यार कोई बेबी है यार, शायद उसको लग रहा है कि कोई आया है उसलिए ये रो रहा है। रात को पता क्या होता है, देखो अगर यही जो भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, ये जो भी हो रहा है अगर ये रात दिन में होता तो ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। रात में हो रहा है क्योंकि रात में ना हर एक, पता है ना, एक सुई गिरने की आवाज़ भी आती है, तो वही हो रहा है यार। देखो ये ना ये किसी बच्चे की कब्र है, यहाँ पे कैमरा ब्लर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी बच्चे की नेगेटिव एनर्जी है। देखो फिर रो रहा है कोई बच्चा। कौन है आप? अगर आपको मेरे यहाँ से बच्चा है यार, क्या समझेगा मेरी बात है यार, मैं उसको क्या समझाऊँ, छोटा बच्चा है यार। सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं समझते बातें, उनको लग रहा है कि कोई उनका आया है। यार भगवान ऐसे क्यों करते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये भी कोई कब्र ही थी आई थिंक, या नहीं थी मुझे क्या पता। अगर कोई बच्चा दिखे आपको तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं यार, बच्चों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ये देखो यहाँ पे कब्र है, ये सब हर तरफ बच्चों की कब्र है, यहाँ पे अक्सर बच्चे दफनाए जाते हैं। और वहाँ की तरफ कोई था, वो लाइट जल रही है, वहाँ की तरफ कोई है आई थिंक, कोई है। मैं को जाके देखना चाहूँगा कि वहाँ की तरफ कौन है, वहाँ की तरफ कोई है, कौन है? अगर आपको दिख रहा हो, कौन है? कोई तो है। अरे बंद हो गई, फिर जल रही है। कौन है? फिर बंद, फिर जल रही है। कौन है? फिर बंद, फिर बंद हो गई यार वो लाइट है। फिर बच्चों की आवाज़ें आने लगी। यार यार कौन है आप लोग? मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो यार, मेरे से नहीं रुका जा रहा यार। हर जगह बच्चे होते हैं, बच्चों से यार बहुत अटैचमेंट होती है यार, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो बच्चे देखे ना मत छीनो यार, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं यार नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो आगे यार। बात है ना किसी बेबी की यार, शायद अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आया बेचारा, उसका टाइम नहीं आया उस दिन जाने का और वो चला गया है। यहाँ पे अगर कोई बहुत 4 किलोमीटर दूर कोई डोगी भी रोता है ना तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये बीबी यहाँ पे कोई दफन है यार, उसकी आवाज़ तो आना। मैं नहीं कर पा रहा यार, मेरे बस की नहीं है इस जगह पे आके मामला, मेरे बस की नहीं है। तो यार मैं निकलता हूँ यहाँ से यार, बाय यार, सॉरी मिस वीडियो के लिए। बट सच में मेरे को यहाँ के आके ना बहुत गिल्ट फील हुआ, लाइक ये इसलिए नहीं कि मैं किसी बच्चे की रूह सुन रहा हूँ, बट इसलिए कि किसी माँ के, जिस माँ का ये बच्चा गया ना यार, उस माँ के लिए, उस माँ ने कैसे यार अपने दिल में पत्थर रखा होगा, एंड कैसे उसने लाइक ना यहाँ पे उसके पापा ने उस बच्चे को यहाँ पे दफनाया होगा, एंड कैसे यहाँ पे यार वो सब कुछ चीज़ें हुई होंगी ना। तो यार वो सोच के एंड यार ये देखो ये नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, कोई तो बच्चा है ना, कोई तो मुझे देख कर रो रहा है। कोई तो बच्चा है ना यार, कोई बेबी है, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बट उसको ये इतना पता है कि मैं कोई इंसान हूँ। तो यार किसी मम्मी, जो मम्मी होती है ना वो कभी शमशान घाट में या फिर किसी कब्रिस्तान में नहीं आती,
बट जो एक फादर होता है ना, वो आया होगा, वो आए होंगे एंड उन्होंने अपना बच्चा यहाँ पे दफन किया होगा, तो वो सोच के भी ना यार